हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, यदि आप भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बहुत बड़े फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहां पर हम टाटा आईपीएल 2022 की सारी नई अपडेट आप तक तुरंत लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइव डुप्लेसिस की जो की अब आरसीबी के न्यू कैप्टन होने वाले हैं। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि दोस्तों विराट कोहली ने आरसीबी की कप्तानी छोड़ दी है और उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल भी आरसीबी की कप्तानी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि डुप्लेसिस एक बहुत बढ़िया कैप्टनसी करने वाले प्लेयर है। उन्होंने साउथ अफ्रीका की कैप्टनसी की है और उन्होंने वर्ल्ड कप में भी साउथ अफ्रीका की कैप्टनसी की है। तो दोस्तों रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के पास सिर्फ एकमात्र अच्छा ऑप्शन बचता है, वह है डुप्लेसिस का। तो दोस्तों डुप्लेसिस आरसीबी के लिए बहुत अच्छा कैप्टनसी करने वाले हैं। तो दोस्तों डुप्लेसिस के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों आपकी क्या राय है कि डुप्लेसिस को कैप्टन बनना चाहिए या नहीं, कमेंट में मुझे जरूर बताएं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई बात के साथ आईपीएल 2022 की। ठीक है दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।